Good morning, everyone. Now I am going to discuss synonym set 10, and the first word is augury. Augury means bhavishyavani. यह noun है अपने आप में. भविष्यवाणी यह बताता है क्या भविष्य में होने जा रहा है. ओमिनस अमंगल सूचक, जो अमंगल को दर्शाए, जो अनिष्ट को दर्शाए, अनिष्ट सूचक, अमंगल सूचक, यानी ओमिनस बताता है कि कुछ बुरा होने जा रहा है. यह ओमेन शब्द का एडजेक्टिव है. कॉमेंस भर्ब है, इसका अर्थ होता है आरंभ होना. कॉमेंस आरंभ होना या आरंभ करना. प्रोफेसी भविष्यवाणी, भविष्यवाणी. फोर टेलिंग भी कह सकते हैं, प्रोफेसी कह सकते हैं. फोरकास्ट भविष्यवाणी, लेकिन फोरकास्ट खास करके मौसम के लिए यूज होता है. इंट्यूशन अंतर ज्ञान, इनसाइट. इंट्यूशन अंतर ज्ञान, अगर हम इंट्यूशन का सिनोनिम लिखें तो वो इनसाइट होगा, एग्जैक्ट सिनोनिम. कैओस, कैओस मींस होता है अराजकता. यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. अराजकता क्या है तो लॉलेसनेस, एनार्की. इसका दूसरा वर्ड हो जाएगा लॉलेस नेस, यानी शासनहीनता. एनार्की अराजकता, यानी लॉलेसनेस. ऑर्डर क्रम, ये एंटोनिम हो जाता है लॉलेसनेस का या केओस का. ऑर्डर या एडमिनिस्ट्रेशन भी उसका एंटोनिम होता है. एडमिनिस्ट्रेशन मींस प्रशासन, ये भी नाउन है. कंट्रोवर्सियल एडजेक्टिव है विवादास्पद, विवादास्पद. नेक्स्ट वर्ड इज हिपोथेसिस. हिपोथेसिस मींस अटकलें, अनुमान. हिपोथेसिस अटकल या अनुमान. प्रोपोजिशन इसका सिनोनिम होगा. इसके सिनोनिम में हम सपोजिशन भी लिख सकते हैं. अगर हम प्रोपोजिशन के सिनोनिम की बात करें तो यह प्रोपोजिशन होगा. हिपोथेसिस, प्रोपोजिशन और सपोजिशन, इन सब का अर्थ होता है अटकल या अनुमान, यानी क्या कुछ होने वाला है उसका अनुमान. तो प्रोपोजिशन अटकल. सर्टेनिटी निश्चितता, यह उसका एंटोनिम होगा. यह पूर्ण विश्वास के साथ होता है कि निश्चित है यह होने वाला है. ऑप्युलेंस मींस समृद्धि, ऑप्युलेंस समृद्धि. इंडिजेंसी अति गरीबी, डिप्राइवेशन. अति गरीबी यानी डिप्राइवेशन, हर सुविधाओं से वंचित होना इंडिजेंसी है. वह जो वंचित हो उसे इंडिजेंट कहते हैं. ब्लीक, ब्लीक मींस होता है उदास. ब्लीक मींस होता है मनहूस. इसका सिनोनिम सैड होता है, और इसका सिनोनिम, एग्जैक्ट सिनोनिम इसका डिसमल होता है. चीयरफुल मींस होता है खुश. यह एडजेक्टिव है चीयरफुल. जॉयस मींस आनंददायक या खुश, खुश या आनंददायक. जोवियल मींस भी खुश होता है या खुश मिजाज होता है. और डिसमल मींस होता है उदास, या डिसमल मींस होता है मरहूस. नाउ वर्ड नंबर 5 इज कोहोर्ट. कोहोर्ट मींस होता है साथी. यह नाउन है, कॉमन नाउन है. इसका सिनोनिम कंपेनियन होता है. इसका सिनोनिम कलीग होगा, कलीग होगा. इसका सिनोनिम पियर होगा. इसका सिनोनिम कमरेड होगा. इसका सिनोनिम मेट होगा. बहुत से शब्द है, इतना तो बताएंगे तो बहुत भारी हो जाएगा, बहुत भारी हो जाएगा और याद करने में कठिनाई होने लगेगी. बहुत सारे शब्द हैं और इन सबका सिनोनिम बताते बताते विशाल हो जाएगा. फो मींस होता है दुश्मन, शत्रु. एनिमी इसका साइन होता है. कंपेनियन इसका आंसर होगा. विटनेस मींस होता है गवाह, जिसके सामने कोई घटना घटी हो
टॉकेटिव मीन्स बातूनी, वह जो बात खूब बनाए, रेटिसेंट इसका एंटोनिम होगा। वर्ड नंबर सिक्स है अडोर। अडोर मीन्स किसी व्यक्ति को भगवान की तरह पूजना, अडोर मीन्स पूजना, यानी किसी व्यक्ति को भगवान की तरह पूजना अडोर होता है। अडोर का हिंदी लिखेंगे पूजा करना, इसमें हम इंसान को भगवान की तरह पूजते हैं। डेफी भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। लोध मीन्स घृणा करना, हेट से अधिक घृणा को लोध बताता है, डिटेस्ट बताता है, हेट की अपेक्षा अधिक घृणा के लिए हम लोध या डिटेस्ट का प्रयोग करते हैं। डिटेस्ट भी हमने दिया है, ये दोनों आपस में सिनोनिम है। पियर, पियर मीन्स दोस्त होता है, पियर मीन्स साथी होता है, पियर मीन्स हम उम्र होता है। और वर्शिप मीन्स होता है पूजा करना, वर्शिप पूजा करना, तो अडोर का सिनोनिम वर्शिप होगा, डेफी होगा। नेक्स्ट वर्ड इज डॉक्ट्राइन, यह अपने आप में नाउन है। डॉक्ट्राइन मीन्स होता है सिद्धांत, सिद्धांत। यहां हमने प्रिंसिपल लिखा हुआ है, इसके अलावे टिनेट मतलब भी सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत होता है, डॉक्ट्राइन मतलब सिद्धांत होता है, थियरी मतलब सिद्धांत होता है, बिलीफ मतलब सिद्धांत होता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल सिद्धांत। आर्गुमेंट तर्क या बहस नाउन है। कंडक्ट आचरण ये भी नाउन है, कंडक्ट आचरण। डायबोलिकल, डायबोलिकल मीन्स होता है अत्यंत बुरा या अत्यंत बुरा या पैसाचिक, पैसाचिक या अत्यंत बुरा। डायबोलिकल का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए होता है जिसके कर्म बहुत ही जघन्य होते हैं, इसे हम पैसाचिक कहते हैं, पिशाच की तरह जो हो वो डायबोलिकल है। वर्ड नंबर 8 इज फेलॉन। फेलॉन मीन्स होता है घोर अपराधी, यह नाउन है, घोर अपराधी कॉमन नाउन है, घोर अपराधी, बड़ा अपराधी फेलॉन। इसका सिनोनिम क्रिमिनल होगा। प्रोपोनेंट मीन्स होता है समर्थक यानी सपोर्टर, प्रोपोनेंट मीन्स समर्थक, सपोर्टर। क्रिमिनल इविडेंस मीन्स होता है क्रिमिनल अपराधी, इविडेंस सबूत, ट्रेटर गद्दार, ट्रेटर गद्दार या देशद्रोही, ट्रेटर। नाउ वर्ड नंबर 9 इज गलिबुल। गलिबुल अपने आप में एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है सीधा साधा, भोला भाला, वह जिसमें छल कपट न हो उसे हम गलिबुल कहते हैं। इसका सिनोनिम होगा सिंप्लेटन, सीधा साधा, भोला भाला। इसके लिए कई लेखकों ने क्रेडुलस का प्रयोग भी किया है। क्रेडुलस मतलब ही होता है वह जो किसी के ऊपर बहुत जल्द विश्वास कर ले, जो सुने उसी पर विश्वास कर ले, तो वह आदमी भोला भाला होता है, सीधा साधा होता है। तो गलिबुल के सिनोनिम के रूप में हम सिंप्लेटन का प्रयोग करेंगे, क्रेडुलस का प्रयोग करेंगे। एट्रोफियस एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है अत्याचारी, एट्रोसिटी का एडजेक्टिव होता है एट्रोफियस, एट्रोसिटी मीन्स अत्याचार। क्लैमरस, क्लैमर से बना है, क्लैमर मीन्स होता है जोर जोर से मांग करना, अपने अधिकार की मांग चिल्ला चिल्ला करके करना, और क्लैमर मीन्स शोर शराबा भी होता है, तो क्लैमरस मीन्स शोर शराबे वाला, शोर शराबे वाला। इसका सिनोनिम ऑब्स्ट्रेपेरस होगा, नॉइजी होगा। नेक्स्ट वर्ड है डी वेटरन। वेटरन मीन्स होता है अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड, जिसके पास काफी अनुभव हो उस व्यक्ति को हम वेटरन कहते हैं, अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड या हाईली एक्सपीरियंस्ड। नाउ वर्ड नंबर 10 इज फ्रजाइल। फ्रजाइल मीन्स होता है भंगुर। क्या है भंगुर? तो यह अपने आप में एडजेक्टिव है। भंगुर का मतलब होता है जिसको हाथ से छोड़े नीचे गिरे और वो टूट जाए, यानी फ्रजाइल मीन्स भंगुर। इसका सिनोनिम होता है ब्रेकेबल, इसका सिनोनिम वीक भी होता है, इसका सिनोनिम ब्रिटल भी होता है, BRITLE, फ्रजाइल, ब्रिटल, ब्रेकेबल मीन्स भंगुर, यानी जो नीचे गिरने पर टूट जाए। स्टाउट, स्टाउट मीन्स मजबूत या हट्ठा कट्ठा, यह एडजेक्टिव है।
स्टर्डी मीन्स मजबूत या हट्ठा कट्ठा, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत या हट्ठा कट्ठा, ब्रेकेबल, ब्रेकेबल मीन्स भंगुर, फ्रिवलस, फ्रिवलस मीन्स तुच्छ, ऑफ लो इंपॉर्टेंस, ऑफ लो इंपॉर्टेंस यानी हम ट्रिवियल का प्रयोग कर सकते हैं, ट्रिवियल मीन्स भी होता है तुच्छ। नाउ वर्ड नंबर 11 इज ग्रोटेस्क्यू, ग्रोटेस्क्यू मीन्स होता है विकृत, असामान्य, यह भी अपने आप में एडजेक्टिव है, विकृत या असामान्य, विकृत या असामान्य यानी वह जो नेचुरल ना हो, वह जो नेचुरल ना हो उसे हम ग्रोटेस्क्यू कहते हैं, विकृत। तो कोहेटर शब्द एडजेक्टिव है धन लोलुप, वह जो धन के प्रति लालच रखे उसे हम धन लोलुप कहते हैं। कल के सेट में हम एक वर्ड बताए थे क्यूपिडिटी, धन लोलुपता, तो धन लोलुप के लिए हम कोहेटस का प्रयोग करेंगे यानी अवहरिसियस, इसका सिनोनिम होगा कोहेटस का अवहरिसियस या ग्रीडी। नाउ बी में वर्ड है अननेचुरल, असामान्य, यही होगा उसका सिनोनिम असामान्य, अननेचुरल। ग्लिम्स मीन्स होता है झलक, एक झलक, एक एक ग्लिम्स इसके लिए हम यूज करें, तो ए लुक भी ग्लिम्स का सिनोनिम, लुक भी होता है झलक। स्लेंडर, स्लेंडर मीन्स होता है पतला लेकिन सुंदर, जिसे हिंदी में एक शब्द दिया गया है छरहरा, छरहरा, स्लेंडर मीन्स होता है पतला लेकिन सुंदर। नाउ द लास्ट वन इज कोन मैन, कोन मैन मीन्स होता है ठग, कोन मैन मीन्स होता है ठग, कोन मैन मीन्स होता है बहुरूपिया, ठग, इसके लिए हम चीट, फ्रॉड का प्रयोग कर सकते हैं। चीट मतलब भी ठग होता है, चीट भर्ब नाउन दोनों है, ठग भी होता है और ठगना भी होता है, फ्रॉड मतलब ठग होता है, कोन मैन मीन्स ठग होता है। अब वर्ड है लॉयल, लॉयल एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है स्वामी भक्त, वह जो अपने स्वामी के नमक का गुण दे उसे हम लॉयल कहते हैं, उर्दू में इसे नमक हलाल कहते हैं। बी में है इंपोस्टर, मक्कार, धूर्त, बहुरूपिया, ठग इसे कह सकते हैं, इसलिए आंसर होगा बी, मक्कार, बहुरूपिया, ठग, इंपोस्टर। वॉचमैन आप जानते हैं, क्रेडिबुलस मैंने ऊपर बता दिया, जो सहज ही किसी के ऊपर विश्वास कर ले उसे हम क्रेडिबुलस कहते हैं, गलिबुल इसका सिनोनिम होता है। तो इसी के साथ आज का यह वर्ड का एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है, एंड थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।